अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान बॉलिंग कंबाइनेशन के हवाले से तजब का शिकार। नाकस कारकर्दगी के बावजूद बॉलिंग कोच अजहर महमूद का कहना है कि बॉलिंग पाकिस्तानी टीम की कुव्वत है। वर्ल्ड कप को जहन में रखते हुए मुख्तलिफ कंबाइनेशन आजमा रहे हैं। दोस्तों, कैंगरू से सीरीज में हम मजमू तौर पर ज़्यादा विकटें हासिल ना कर सके। दोस्तों, इन्होंने कहा कि हरीफ बॉलर भी ज़्यादा शिकार ना कर पाए। दोस्तों, अबू धाबी में आखिरी ओवर में पाकिस्तानी बैट्समैन डगमगा गए। दोस्तों, शारजा में पिचें भी बेजान थी। इन मसाइल के बावजूद कई मुसबत चीज़ें नज़र आई। दोस्तों, इन्होंने कहा कि उस्मान शेनवारी ने बहुत अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया, जबकि जुनेद खान ने भी अपनी बॉलिंग से बहुत मुतासर किया। दोस्तों, मोहम्मद हसनैन की सूरत में नया टैलेंट मुयसर आया। दोस्तों, बॉलिंग कोच अजहर महमूद का कहना था कि हम सीरीज हार चुके हैं। दोस्तों, लेकिन अपने बॉलर्स की कुव्वत और कमजोरियों का अंदाज़ा हो गया। दोस्तों, खामियां दूर करने के लिए तरबती कैंप में काम करेंगे। दोस्तों, इन्होंने कहा कि बॉलिंग लाइनअप में एक या दो खिलाफ पुर करने के लिए मुमकिन खिलाड़ियों को आजमाइश कर ली। दोस्तों, इन्होंने कहा कि हम बिल्कुल दुरुस्त अंदाज़ा करना चाहते हैं कि कौन से बॉलर स्क्वाड में शामिल होने की सलाहियत रखते हैं। दोस्तों, इंग्लैंड में वर्ल्ड कप के दौरान मौसम में पिचेस खुश्क होंगी। एक अजाफी स्पिनर की ज़रूरत को पेश नज़र रखते हुए यासर शाह की आजमाइश का फैसला किया गया। दोस्तों, क्या पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत पाएगा या नहीं, हमें अपना जवाब कमेंट में लाजमी दें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसे प्रेस करना ना भूलें।